अभी तक जितने हाथ नहीं खुले हैं सारे हाथ खुल जाने चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, जात धर्म ना छुआ छूत का चक्कर हो ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। मैं आप सबको नमन करता हूं। मैं बार बार ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा साहब, पहले बता देता हूं, क्योंकि अजय भाई ने मेरे पास 2 महीने के पहले फोन किया, सुरेश जी आपको महेश्वरी समाज में आए बहुत दिन हो गया। मैंने कहा हो तो हो गया। बोले आपको अब की बार आना है, हंसाना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले नहीं, पहले की बात अलग है, जब से आप जी स्माइल पर आज तक वाह वाह क्या बात है तमाम चैनलों पर आने लगे हो, आपका रेट बहुत ज्यादा हो गया है। हम इतना पैसा देंगे नहीं, हम महेश्वरी समाज यानी हम अपने परिवार का कार्यक्रम करते हैं। मैंने कहा अजय भाई आप टेंशन क्यों ले रहे, मैं आ जाऊंगा। बोले नहीं, हम लोग ईमानदार भी हैं। तब मुझे मालूम पड़ा, बताओ कितना पैसा लोगे। मैंने कहा आपने अपने दिमाग में जितना सोच के रखा है उससे 10,000 रुपए कम दे देना। अजय भाई बोले बेटा आजा, मैंने 10,000 ही देने के लिए सोचा था। मैं तो आपके सामने एकदम से निशुल्क खड़ा हुआ हूँ, जब तक आपकी ताली होली बजती रहेगी तब तक कुछ गाने का प्रयास करूंगा, वरना जाकर के आराम से बैठ जाऊंगा। और मुझे लगता है कार्यक्रम काफी विलंब हो गया है, अजय भाई मुझे यहाँ 4 बजे ही बुला लिए थे। मैं यहाँ आया था, यहाँ आया तो कोई था ही नहीं, ये कुर्सी उर्सी मैंने ही लगाई, जाकर के बैठ गया। तो ये मुझे बहुत दिनों से देखे नहीं थे। बोले आप कौन? मैंने कहा पहचान कौन? बोले कहा नहीं आप हैं कौन? मैंने कहा मैं सुरेश मिश्रा हूँ, आप सबको हंसाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्रियाकर्म कब चालू होगा? मैंने कहा क्रियाकर्म नहीं कार्यक्रम है। बोले 7 बजे का कार्यक्रम जब 8:30 बजे शुरू होता है तो क्रियाकर्म ही हो जाता है। मैंने कहा तब आप जैसे 4 लोग कंधा देने के लिए तैयार हो जाइए, हमारा क्रियाकर्म भी जल्दी से शुरू हो जाने वाला है। अरे भाई मुझे समय बता दीजिएगा कब तक कितनी देर तक करना है, क्योंकि 9:30 क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ईमानदारी से मैं बताऊं कि जितने कवियों को आपने और कवियों को बुलाया है सब कॉन्फिडेंस के कवि हैं। एक एक कवि एक एक कवित्री 2.5-2.5 घंटे अकेले पढ़ सकते हैं। सुरेश जी सबका आग्रह कि 10 बजे तक चलिए। वही बोल रहा हूँ कि एक इतने कॉन्फिडेंस के कवि हैं सर, एक एक कवि 2.5 घंटे अकेले पढ़ सकता। मैं पुणे गया था, पूरा सभागृह खचाखच भरा हुआ था, मैंने शुरू किया और 2.5 घंटे तक सुनाई, लास्ट में देखा सामने एक ही आदमी बैठा था। मैंने जाके उसके पांव पकड़ लिए, मैंने कहा तू ही एक मेरा फैन है। उसने कहा फैन और उसको मारो गोली, मैं माइक वाला हूँ। यहाँ इसी स्थिति नहीं आएगी, सारे कवि हैं, 10 बजे तक का कार्यक्रम है, 1.5 घंटा हमारे पास है, निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा लग रही है और बीच बीच में कुछ पुरुष फंसे हुए हैं महिलाओं के बीच में, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ कि हिम्मत तो प्रणाम करता हूँ साहब, हाँ कि आप बीच में हैं। मैं महिलाओं का सर होली कृष्ण सम्मेलन है तो मन के सारे भेद मिटा दे, रंग बरसाए होली और चहल पहल जीवन में ला दे, जब जब आए होली और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रंग में रंग जा, फागुन में हर बार यही सबको सिखलाए होली। मैं चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ महिलाओं को, महिलाओं के लिए प्रणाम करता हूँ कि होली पर लेकर पिचकारियां निकलती हैं और घूंघट का लाद पटोढ़े नारियां निकलती हैं, अपना देश तो वह देश है यारो जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। ज्यादा ताली बजाने की जरूरत नहीं है साहब, मेरे घर में भी चिंगारी निकलती है। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए उससे पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी भी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर खुली नहीं मिला ना, कब याद आई थी? क्या कर सकते हैं। हमारे बीच में महेश दुबे जी बेहतरीन कभी पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में घूम घूम करके हंसी का झंडा झंडा लहरा रहे हैं। मैं चाहता हूं महेश दुबे के सम्मान में बात जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आलसी के
के नाम से मशहूर भाई राजेंद्र मालवीय जी, आपने तमाम टीवी चैनलों पर उन्हें देखा होगा। अजय भाई ने उन्हें पिछले साल बुलाया था, पिछले साल आ नहीं पाए, पिछले साल चले थे, इस साल पहुंचे हैं। राजेंद्र मालवीय आलसी हमारे बीच में आलसी से आए, बात जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मुजावर मालेगांवी जी पैरोडी के बादशाह, पैरोडियों में आपको लोट पोट कर देने वाले मालेगांव से आए हुए हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और कम से कम 27 टीवी सीरियलों में जिसने अभिनय किया है और बेहतरीन शायरा लता है हमारे बीच में है, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाकर के लता जी का स्वागत करें। और अगर आपके हाथ थके न हो तो दो चार तालियां मेरे सम्मान में भेज दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों कि सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए, अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए और सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियां बजाओ है हसाने की गारंटी यार, टन 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 झंझटों का झरना इनसे बच के रहना, हास्य व्यंग भाए तो वाह वाह करना, लूट लो हंसी, लूट लो हंसी खुशी की ना कोई वारंटी यार, टन 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 तालियां बजाओ है हंसाने की गारंटी यार, टन 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 टन। हम व्यापारी तुम्हें क्या बताएं, पैरोडिया मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं इसके बाद जिसको हम बुलाना चाहते हैं वो पैरोडिया का सम्राट है, कि हम व्यापारी तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा है और हम जीएसटी के सताए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा है और हम, कोई जाकर क्या उनको चीज सस्ती हुई है, कोई जाकर के उनको बता दे, ओ जेटली केटली पकड़ा देगा, कोई जाकर नमो को बता दे, ओ सबको देकर के बाबा कठुल्लू, सबको देकर के बाबा कठुल्लू, हमको उल्लू बनाए हुए हैं, नोटबंदी ने मारा